बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मियां नुमान कबीर साहब, प्रेसिडेंट लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मियां रहमान अजीज़ चंद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट LCCI, हारिस सतीक साहब, वाइस प्रेसिडेंट LCCI, मेंबर्स बिजनेस कम्युनिटी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम अलैकुम। मुझे बड़ी खुशी है इस बात पर कि लाहौर चैम्बर के 100 साल मुकम्मल हुए और यही ट्रेडिशन और यही तारीख इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान के अंदर भी जब अनडिवाइडेड इंडिया के ज़माने के अंदर जो तजारत थी और काम था, तो जब पाकिस्तान बनने से पहले से एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जो बड़े फ़ख्र की बात है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेहतरीन काम हुआ है लाहौर में, एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट, मिसाल के तौर पर सर गंगाराम, तो जब मैंने उनके मुतालिक पढ़ा तो मैं ये समझता था कि बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन होगा जिसने लाहौर के अंदर इतनी इमारतें और इतनी गुडविल के एतबार से औरतों के लिए, बेवाओं के लिए भी बहुत कुछ बनाया, एंड अ बिग नेम। मुझे पता चला कि ही वॉज नॉट अ बिग बिजनेसमैन इन दैट कॉन्टेक्स्ट। वो एक ब्यूरोक्रेट थे, एक आर्किटेक्ट थे और एक विजन था, है? तो लाहौर के अंदर ये जो फुटप्रिंट्स हैं इन चीज़ों के, ये भी बड़े अहम हैं। फिर साथ साथ फिर मुझे याद आता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इस रीजन के, एक साहब जिनको लोग भूल गए हों, CM लतीफ़ साहब, मगर लाहौर वाले तो याद रखेंगे। ही वॉज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर ऑफ एक्सेलेंस सिंस बिफोर पार्टीशन, अ वेरी वेल एजुकेटेड मैन जिसने BCO बटाला इंजीनियरिंग कंपनी के हवाले से बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। अगर वो नेशनलाइजेशन का की कैफियत पैदा नहीं होती तो दे कुड हैव बीन दीज बिग पीपल जो इंडस्ट्री से वाकिफ थे, दीज कुड हैव बीन द ह्यूज, जैसे कोरिया के अंदर और जैसे इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, वहाँ से पाकिस्तान का भी ऐसे ही ताल्लुक होता। दैट वॉज अ सेट बैक, बट वी मस्ट रिमेंबर दैम। दूसरी बात यह कि मुझे बड़ी खुशी हुई आज इस बात पर कि औरतों की तादाद आपके अवार्ड्स में भी और पार्टिसिपेशन में बढ़ गई। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, दिस इज़ अ, ये एक छोटा स्टेप है मगर एक अहम स्टेप है। क्यों छोटा स्टेप और अहम स्टेप है? क्योंकि अगर पाकिस्तान की और इंडिया की आप तारीख देखें तो इस हवाले से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तकरीबन हर जगह इस बात का इजहार करते रहे कि औरतें साथ होनी चाहिए। मुझे एक वाकया याद है कि उनकी जो शादी हुई वो मरियम डिनशॉ से हुई, मरियम नाम रखा गया, और वो एक लखनऊ के अंदर एक मुस्लिम लीग की गैदरिंग थी जिसमें उनके साथ गए, और उनकी गाड़ी से उतरकर, क्योंकि लोग कायदे आज़म से बात करने लगे और कुछ, तो उनकी गाड़ी से उतरकर वो पिंडाल में गईं तो उनको रोक लिया गया, और उनको रोक लिया गया और रोक जब रोका तो वापस आए, उन्होंने कहा जी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तो आप जो फादर ऑफ योर नेशन ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना कार्ड जो इन्विटेशन का था वो उसको दिया कि यू गो इन एंड आई विल फॉलो। That is the kind of priority father of the nation ने उस चीज़ को इस तरह से हैंडल किया। उसके बाद भी आप देखिए कि मोहतरमा फातिमा जिना उनकी कॉन्स्टेंट कंपेनियन रही, तो और कायदे आज़म अपनी तकरीर करते रहे, लोगों को कहते रहे कि जब तक औरत साथ चलेगी नहीं तो माशरा मुल्क तरक्की नहीं करता। ज़ाहिर है 51% पॉपुलेशन है तो औरत साथ चले, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन इसी वजह से। और मैंने आज सुबह से मैं तैयारी कर रहा था कि आपको दोबारा नसीहत करूँगा, अच्छा मगर आपने मेरी तकरीर का वो खूबसूरत हिस्सा जो है वो तकरीबन जिल्च कर दिया खुद एक एफर्ट करके। आप सब लोग क्योंकि मौजूद हैं, शायद पिछली गुफ्तगू में आप लोग नहीं थे, लिहाजा कुछ बातें उस हवाले से ज़रूर कहूँगा कि मुसलमानों के ट्रेडिशन के अंदर बीबी खदीजा वॉज अ बिजनेस वूमन, इसको कभी मत भूलिएगा आप, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है ना। बिजनेस बीबी खतीजा ट्रांजैक्शंस करवाती होंगी, डिसीशंस लेती होंगी, लोगों को भेजती होंगी, लोगों से गुफ्तगू करती होंगी, हैं? तो इसका मतलब हम उस ट्रेडिशन से आ रहे हैं जहां प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया खुद बिजनेस वुमन थी। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी मालूम है कि उन्होंने फिर अपनी तरफ से एक प्रपोजल भेजा एंड ये बात पूरी हुई। अच्छा, उसके साथ साथ फिर आप चलें तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि
कि इस्लामिक ट्रेडिशन में तो ये चीज़ मौजूद है, इनहेरिटेंस ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी मौजूद है, बट ये कल्चर ने आकर गर्दन दबा ली है। दिस इज, ये कल्चर है जो इस बात को रोकता है कि औरत बाहर ना जाए। औरत, ये ज़रूर है कि हरासमेंट, इन चीज़ों का एहतमाम माशरा करे, एहतमाम इस बात का करे कि औरत बड़ी कंफर्टेबली कारोबार के अंदर शिरकत कर सके और काम कर सके। तो लिहाजा मेरी बिजनेसमैन से क्या अपील है, मैं हमेशा हर जगह ये देखता रहा हूँ कि बुजुर्ग हैं और ये उनका बेटा है, हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कितने बेटे हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी फैमिली ने काम किया, बेटियाँ कहाँ हैं? मतलब ये कि अगर आप अपने माहौल के अंदर एक अच्छा, अपने बिजनेस के अंदर एक अच्छा माहौल क्रिएट नहीं कर सकते, और इससे अच्छी क्या बात कि आपकी बेटी आपके अपने अच्छा क्रिएटेड माहौल के अंदर काम करे। तो लिहाजा मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि अपनी बेटियों और बहुओं को अपने सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर उनको लीडरशिप देकर आप इन्वॉल्व करें। और जो ख्वातीन यहां मौजूद हैं, हैट्स ऑफ टू यू कि डिस्पाइट दीज प्रेशर्स उसके बावजूद यू हैव अचीव्ड सम अचीव्ड इम्पोर्टेंस है, माशाल्लाह। आज जॉर्डन की प्रिंसेस सारा जैद दोपहर को मेरे साथ लंच पर मौजूद थी, और जिन कंसर्न्स के हवाले से हम औरतों की पोजीशन का जिक्र कर रहे हैं, उसमें आप समझ जाएं कि पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ के अंदर मेल न्यूट्रिशन है, पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ में स्टंटिंग है, पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ में एम्पावरमेंट ऑफ वुमन है। और एम्पावरमेंट ऑफ वुमन सिर्फ लफाजी है कि माशरे के अंदर जब आप जाएँ तो कहें जी हमारी तो बीवी बॉस है, इस माशरे में बड़ी इज्जत है। उन इज्जतों के साथ ये दिस इज़ ये वर्बल अप्रिसिएशन है चीज़ों का, मगर जब रियलिटी आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के एतबार से, तो हम इस्लामी विरासत के उसूलों को भी नहीं अब चलाते। बाकी सारे काम आप इस्लाम पर हमसे करवा लीजिए, तकरीरें करवा लीजिए, सारी बातें करवा लीजिए, बट एज फार एज इनहेरिटेंस इज कंसर्न, वहां पर जाकर जनाब देर आर रीजन्स जहां 99% प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। औरत एम्पावर कैसे होगी जब उसको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करेंगे, है? औरत माशरे के अंदर आपके बड़ा आपके साथ चलने वाला हिस्सा कब बनेगी? अंदर ये सिर्फ जबानी कहते रहे कि जी हम बड़ी इज्जत करते हैं, ये करते हैं, दैट इज फाइन, करें, बहुत जरूरी है माशरे के अंदर इज्जत करें, मगर ये भी बहुत जरूरी है कि उसको फाइनेंशियली एम्पावर करें। डिजिटाइजेशन के जरिए एम्पावरमेंट की कोशिश है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, औरत घर बैठे बैठे अकाउंट खोल सकती है। और इस वक्त दुनिया के अंदर इतनी मार्केट खुल गई है अमेजोन के जरिए कि घर के अंदर वैल्यू एडेड काम लेकर और दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके। कीप इन माइंड जो ख्वातीन जिनको मिले हैं अवार्ड्स, वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर इस बात का एहतमाम करें। हो सकता है यहाँ पिछले दिनों को एक इंडस्ट्री के लोग आए सियालकोट से, उन्होंने कहा जी 100% काम मेरी फैक्ट्री के अंदर औरतें हैं। हम वो हाउ डू वी मैनेज इट, हम सिक्योर करते हैं इस तरह से कि घर से बस लेती है, लाती है, 100% वुमेन आर वर्किंग, और उनको घर तक छोड़ती है, माहौल सिक्योर किया हुआ है। हरासमेंट के एतबार से हमने ये किया कि एक शिकायत आएगी वी विल डिसमिस पीपल हु आर देयर, तो लिहाजा द लॉट कैन बी डन। सॉरी ये कहकर, ये बहुत जरूरी था, सॉरी की बात नहीं है, ये बहुत जरूरी था आप लोग तक बात करना। दूसरी बात यहाँ पर जिक्र हुआ कि तिजारत कैसे तरक्की करेगी। अच्छा, बड़ा अहम बात है, और इसके अंदर मैं दो चीज़ों को मिक्स करूँगा आपके लिए। तिजारत जो है वो बुनियाद है इंसानी माशरे के अंदर एक्सचेंज गुड्स के हवाले से, और जब करेंसी नहीं थी और बिल्स नहीं थे तो वो बार्टर के एतबार से तिजारत होती थी, तुम ये दोगे हम ये देंगे, तुम गंदम दोगे इफ़ यू ग्रो और दूसरी हम उसको इस तरह से हैंडल करेंगे। मगर दो चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं, और माई लेट मी स्टार्ट माई कन्विक्शन टू यू व्हाट वी वांट यू टू डू इन पाकिस्तान। सुकरात से किसी ने पूछा कि सिटी स्टेट उसको बहुत अजीज थी, एक शहर एक स्टेट बनाई जाए जो जो ताकतवर भी हो और उसके अंदर ये सब, तो उसको किसी ने पूछा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसने कहा एक तिजारत बहुत अहम, और दूसरे उसने कहा कि जमहूरियत माशरे मुशावरत के लिए, मुशावरत के बगैर कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ये समझते हैं कि हमें मुशावरत की ज़रूरत नहीं, हमें सब कुछ मालूम है और ये जो कल्चर है कि हमें सब कुछ मालूम है, अभी भी एक साहब यहाँ अवार्ड लेते हुए कह रहे थे कि ये तरक्की जब तक नहीं हो सकती जब तक स्टेक होल्डर से मशवरा ना लिया जाए।
तो मैं समझता हूँ वो कल्चर पाकिस्तान में आना चाहिए कि स्टेक होल्डर ज़्यादा जानता है और जो ब्यूरोक्रेट है और फैसला करने वाले हैं वो उन मसाइल के एतबार से वो इंटेलेक्चुअल सड़कें बनाते हैं जिसके ऊपर आप सफ़र कर सकें। एज सिंपल एज ब्यूरोक्रेट का यही काम। टैक्स लेने वालों का काम क्या है, क्यों है टैक्स? ये है कि रियासतों का फ़र्ज़ है कि हर जनरेशन के बाद, यानी अगर सब बराबर चले तो हुआ ये कि मेहनत करके कोई ऊपर गया, कोई नीचे, कोई पीछे रह गया या कम तरक्की की। तो स्टेट क्या करती है, ऊपर वालों को टैक्स करकर इनकी सब्सिक्वेंट जनरेशन को फिर बराबर से शुरू करना चाहती है, तालीम और अपॉर्चुनिटीज़ के एतबार से। ये ज़रूर है फिर इनकी ज़िंदगी में अंदर ये अपनी मेहनत करके ऊपर नीचे एक स्ट्रेटा बन जाए, मगर स्टेट फिर वही इलैबोरेट करती है कि सबकी अपॉर्चुनिटीज़ बराबर हों, कोई सिफारिश नहीं, कोई सब मेरिट के एतबार से तरक्की करें। तो ये स्टेट का काम है। तो सुकरात को जब ये उसने कहा कि तिजारत और जमहूरियत, तो उसके शागिर्द ने पूछा कि बस, तो उसने कहा नहीं, उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि कोई स्टेट, कोई रियासत बगैर पैशन के रह नहीं सकती है। उसने लफ्ज इस्तेमाल किया थाइमोस। उसने कहा ना रियासत बनती है और न रियासत का बका हो सकता है बगैर पैशन के। वहीं से मामला चलता है। लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि सिर्फ यही दो चीज़ें काफ़ी हैं, ये दो चीज़ें बिल्कुल काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान एक पैशन के एतबार से रियासत बनी है और पाकिस्तान का बका उसी पैशन के एतबार से होगा। तो लिहाजा जब हम आपसे कहते हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान में वो पोटेंशियल मौजूद है, आप में हर शख्स सोशल सेक्टर के अंदर CSR के एतबार से ज़ाती दिलचस्पी लेता है, ये है पाकिस्तान, ठीक है ना। सिर्फ रियासत पर आप डिपेंडेंट नहीं हैं, रियासत तो बहुत सारे क्रैक्स छोड़ देती है जिसको आप लोग अपनी खैरात के साथ और अपने एफर्ट के साथ बराबर करते हैं। क्रेडिट टू यू, ये आसान बात नहीं है। ये बहुत सारे माशरों के अंदर हमने, मैंने नहीं देखा, तरक्की याफ्ता माशरों के अंदर भी वो पैशन नहीं देखा कि आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ मुल्क बदलते और उनमें चेंज कैसे होती है, तो तारीख, दुनिया की तारीख से मैं आपको एक और फिनोमेनन बताता हूँ कि इब्न खल्दून का, जो बहुत बड़ा सोशल साइंटिस्ट था और उसके मुताबिक यूरोप कहता है कि इससे बड़ा सोशल साइंटिस्ट कोई नहीं गुजरा, उसका एक कहना यह था कि तिजारत, जमहूरियत और उसके साथ असाबिया, वसाबिया, वसाबिया का उसने नाम एक किया कि जो लोग बद्दू थे या पहाड़ों पर हैं, जब वो नीचे आकर स्टेट को देखते हैं तो वहाँ डिकेडेंस हो जाता है कुछ अरसे बाद, तो लिहाजा उसको चेंज करते हैं। तो ये भी एक रियासत के अंदर जो चेंज की इर्तिकाई कैफियत है वो भी एक नेचुरल फिनोमेनन है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर आप एक अंदाज से कोशिश जारी रखे हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा अहम है। तो बाहर वालों को जब हम कहें तो पहले अपने अंदर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपके लिए क्रिएट किया जाए, आसानियां पैदा की जाएं ताकि आपकी रुकावटें ख़त्म हो, रिश्वतखोरी का निज़ाम ख़त्म किया जाए, रोका जाए, आसान किया जाए। जब मैं ये बात करता हूं कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर करप्शन है या कोई और ख़राबी है, कहीं लॉलेसनेस है, तो लोग कहते हैं दुनिया में है। मैं मानता हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो चीज़ ज़्यादा है और जो तकलीफ देह है उसकी तरफ हम निशानदेही कर रहे हैं। दुनिया में फरिश्ते कहीं नहीं हैं, दुनिया के अंदर ये सब, और कानून क्या करता है, कानून ये डिस्करेज करता है कि करप्शन हो, है कानून। ये चार पांच अनासर हैं जो डिस्करेज करते हैं। एक है सबसे बड़ा अंसर जो है कि अंदर से आदमी भरोसा करे, अंदर से आदमी को खौफ हो, तकवा हो, कि वो अंदर से ही कोशिश कर ले कि मैंने गलत काम नहीं करना। मगर आप याद रखिए, मैं बड़ी अहम आपको मिसाल दे रहा हूं कि जो काम आदमी छुप कर सकता है हर माशरे के अंदर, वो शैतान के असर के अंदर, हर माशरे के अंदर, हर सरकमस्टांसिस के अंदर वो छुप कर गुनाह करता है या माशरे के खिलाफ काम करता है। और अगर आपको कोई शुबा है तो पिछले दिनों, पिछले 50 साल 100 साल की चर्च की हिस्ट्री आप देख लीजिए। यानी वो इंस्टीट्यूशन जिसका भरोसा था, जो अपनी कौम के अंदर इर्तकाई एतबार से अच्छाई की तरगीब देता था, वहां पर भी हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि इंसान की फितरत में, लिहाजा जो मईशत के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी वो कैफियत है, जितनी आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे उतना ही फ्रिक्शन और खराबे का काम कम होगा।
तो लिहाजा हर चीज़ में, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आदमी अपने खुदा खौफी के अंदर बुराई ना करे, दूसरा ऐसा कानून हो जो इन चीज़ों को रोक सके, तीसरा वो कानून इम्प्लीमेंट भी हो, क्योंकि सिर्फ कानून हो तो वो इट्स लाइक अ पीस ऑफ पेपर, अन बेकार है, उसकी कोई अहमियत नहीं। और चौथे ये कि फिर कल्चरल ट्रेडिशंस ऐसी बने कि चोरों के लिए या करप्ट लोगों के लिए या बेईमानी करने वालों के लिए माशरा भी डिस्करेज करे इस बात को। तो ये चार पांच अनासर हैं, और दैट इज़ वाई आप अपनी जब आप अवार्ड देते हैं तो आप ऐसे लोगों को रिकग्नाइज करते हैं जिन्होंने अचीवमेंट किए, वो भी मेरिट पर देते हैं आप, यानी आपका कहीं ये मामला नहीं होता कि नॉन मेरिट अंदाज से आप ये करें। मेरी एक दूसरी पहलू ये था कि पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ की कसर है उसको ज़रा सा कोशिश करके उसको अपनाएं। कसर है रिसर्च की, माशाल्लाह अब जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं उसमें कुछ लोग रिसर्च कर भी रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन्वॉल्व होकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च के एतबार से स्पॉन्सर भी करें और उसका फ़ायदा भी उठाएं। बहुत सारे एरियाज़ के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रिसर्च बहुत सस्ती है, आपको यील्ड मिल सकती है हर एरिया के अंदर, रिसर्च बेइंतहा ज़रूरी है। पाकिस्तान के हालात में कैफियत यह है कि आपने एक बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़े कमाल किए हैं, सारे कमालात का मैं जिक्र नहीं करूंगा, मगर हुआ ये कि कोविड के अंदर पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह का फजल हुआ, आप लोगों ने मेहनत की तो कोविड के असरात इतने नहीं मुरतब हुए, और दुनिया के अंदर ये बात चंद एक चीज़ें दुनिया के अंदर मानी जाती हैं जिसके अंदर ये भी बात है, आप खड़े हो गए मगर दुनिया का सप्लाई राउट और सप्लाई सिस्टम वहाँ कुछ फेलियर्स हुए तो आप फंस गए। फिर तीसरे ये कि आपसे कोई ताल्लुक नहीं इस बात का, मगर दुनिया अपने रंग बदल रही है। अच्छा, यू आर अ स्मॉल प्लेयर समटाइम्स इन दैट बिगर पिक्चर ऑफ थिंग्स, यू मे नॉट बी इवन बी अ प्लेयर है। तो लिहाजा जो यूक्रेन के अंदर जो कैफियत पैदा हुई, एक तो ये अच्छी बात है कि वहां पर जो रेफ्यूजीज बने उन रेफ्यूजीज के लिए यूरोप ने बड़ा दिल खोलकर उनको वेलकम किया, और स्कॉटलैंड में और एक और मुल्क ने क्रूज शिप्स हायर करके रेफ्यूजीज को उसमें बसाया है, क्रूज शिप्स के अंदर रेफ्यूजीज को बसाया है। तो मैंने एक ट्वीट किया, मैंने कहा कि अगर यही कंपल्शन कर दिया जाए वॉरिंग कंट्रीज के ऊपर कि रेफ्यूजीज को क्रूज शिप्स में तुम बसाओ तो जंगें खत्म हो जाएंगी, बिकॉज इस गिविंग रिफ्यूज टू रेफ्यूजीज वही एक बहुत बड़ा आंसर होगा। तो हम लोगों से ये कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा किया कि यूक्रेन के रेफ्यूजीज को रिहैबिलिटेट किया और उनकी फिक्र है, मगर बाकी रेफ्यूजीज के हवाले से जो एटीट्यूड है उसमें फ़र्क क्यों है? तो लिहाजा ये जो इंसान फ़र्क पैदा करता है, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कि मैंने अरबी और अजमी में फ़र्क ख़त्म कर दिया, ये दुनिया के अंदर ये बात अभी तक सरायत नहीं करी है। तो लिहाजा ये चीज़ें रहेंगी, मगर आप कौन होते हैं ये गुफ्तगू करने वाले, क्योंकि इन सारी चीज़ों के पीछे एक इकोनॉमिक क्लाउट होता है जब दुनिया के कानों के अंदर ये चीज़ें रजिस्टर करती हैं। जब इकोनॉमिक क्लाउट नहीं होगा तो आप अच्छी बात तो करेंगे, वो वैसे ही एक अच्छी बात है जैसे हमारे शहर के अंदर कोई आदमी राह चलते आपको नसीहत करे, वो अचीवर भी ना हो तो आप ये कहेंगे कि यार इसकी नसीहत मैं क्यों मानूं, तो अचीव समथिंग। तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़माना है, जैसे शेक्सपियर ने कहा था देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, यहाँ तो एक भंवर आ गया है, उस भवन के अंदर आपकी किश्ती इस तरह से फंसी हुई है कि आपको पता नहीं कि कल का नक्शा क्या होगा, इन दिस कैलिडोस्कोप ऑफ द वर्ल्ड तो देयर इज सम कंफ्यूजन। आप स्टेडिली मेरा मुल्क अगर चलता रहे तो ये जो भंवर है दुनिया के अफेयर्स के अंदर ये कहीं ना कहीं सेटल होगा, और जल्दी सेटल होगा। इंसान की फितरत में है कन्फ्रंटेशन, इंसान की फितरत में है एक्सप्लॉयटेशन। आपने सुना ही होगा कि अनडिवाइडेड इंडिया का जो जीडीपी था वो दुनिया के 25% उसकी स्ट्रेंथ थी मईशत के अंदर, है उस जमाने के अंदर बाकायदा कब्जा लूट मार जबरदस्ती चीज़ें पर कब्जा करना वो एक कैफियत थी। फिर न्यू कॉलोनियल ज़माना आया, न्यू कॉलोनियल ज़माने के अंदर उसको कोई लबादा दिया गया उस फ्लो का, मगर फ्लो हमेशा मगरब की तरफ रहा। फिर आपको मालूम है कि इलीगल वेल्थ के एतबार से स्विट्जरलैंड और इन सब लोगों ने पता नहीं कब तक, यानी पिछले चंद सालों तक इस बात का इहतमाम किया कि आपके यहाँ से वेल्थ जाती रहे और वहाँ पर जमा होती रहे, हैं। तो यहाँ मुझे लगता यह है कि एथिक्स के एतबार से दुनिया के अंदर बड़ी कसर है। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बनता है ये वर्ल्ड ऑर्डर सुपर पावर्स अपने इंटरेस्ट में बनाती हैं, मगर ज़रूरत इस बात की है कि हमारे इस्लामी अकदार के एतबार से
rather than vested interest based global order, there is a need for a morality based global order. Morality based global order ke liye duniya mang rahi hai, sari duniya janti hai. Is waqt Hindustan jitna zulm apne musalmanon par kare, duniya ke kaan par joon tak nahi rehti, because उसकी मईशत के एतबार से उसको टॉलरेट करते हैं. तो ग्लोबल मोरालिटी बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक और मुसलमान ही ममालिक से निकल सकेगा, क्योंकि मोरालिटी का एंकर जिंदगियों के अंदर, सेकुलर एंकर से हटकर मोरालिटी का एंकर जो है वो हमारे घरों से निकलता है. मैं आपके शुक्रिया, मैं आपका आप ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान की सोच के अंदर और मुसलमानों की इर्तकाई कैफियत से ये 75 साल पाकिस्तान के हैं. तो लेट मी रिमाइंड यू कि सर सैयद अहमद ख़ान ने, यानी विलियम डैलरिम्पल अपनी किताब में लिखता है कि जब वो 1857 का इनकलाब आया तो दिल्ली के गली कूचों के अंदर गोश्त और खून की स्मेल थी, और इतनी स्मेल थी जो हफ्तों रही. हज़ारों लोगों को मारा गया बगैर कुछ देखे, बगैर पता चला मुसलमान है, पता चला हिंदू भी अगर रेजिस्ट कर रहा था उसको भी मारा गया. इतना घबराया मुसलमान हिंदुस्तान का कि उसकी समझ में नहीं आया. अच्छा, वो पहले ही नई तब्दीलियों को तो धक्का दे ही रहा था. वो कहता था कि ये बाद में भी कैफियत आई, उस वक्त शायद नहीं थी कि लाउडस्पीकर भी ख़राब है. उस वक्त ये कैफियत आ चुकी थी कि गुटेनबर्ग बाइबल छप चुकी थी वेस्ट में 16वीं सदी के अंदर, और मुसलमान कहता था कि प्रिंटिंग प्रेसेस जो हैं वो खराबियां लाएंगे, तो लिहाजा वो रेजिस्टेंस. तो मुसलमान का एक रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी का जो आज तक चल रहा है, जो आपने देखा होगा कि मैंने तो बड़ा इंसिस्ट किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, मिसाल के तौर पर, कि टेक्नोलॉजी कैन हेल्प गेट आउट ऑफ प्रॉब्लम्स. ये क्या बात है. खैर, बहस हुआ था, आई विल नॉट गो इनटू दैट. मगर मुसलमान का रेजिस्टेंस था. सर सैयद अहमद ख़ान ने 1858 में और 1860 के अंदर लिखना शुरू किया कि मुसलमान पढ़ो, पढ़े बगैर नहीं होगा. उन्होंने कहा सियासत की बात ही नहीं करो, पहले अपने आप को मजबूत करो. मगर 1890 के करीब उनको एहसास हुआ कि सियासत की बात करेंगे, तो उन्होंने मोहम्मदन एसोसिएशन भी बनाई. तो सर सैयद अहमद ख़ान का बेइंतहा कंट्रीब्यूशन है, और आज भी हम इसी सोच और इसी फलसफे का प्रचार करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर बच्चा स्कूल में जाए. ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का क्या इशू है, नहीं होना चाहिए था. इतना ज़माना हो गया रियासत को बने हुए, तो इसको अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ ये रियासत जिम्मेदारी उठाएगी, तो मैं आपको कहता हूँ कि ये तो रियासत को मजबूत करो इस माना करके, डिमांड करो और हिस्सेदार अपना हिस्सा डालो कि ये कौम एजुकेट हो. नहीं एजुकेट होगी तो इसी तरह से मामला पीछे चलेगा. तो मैं फिर कायदे आजम की इर्तका, ये 75th एनिवर्सरी के एतबार से कह रहा हूँ कि कायदे आजम ने इतनी कोशिश की. और आपको याद होना चाहिए कि 2006 के अंदर शायद कलकत्ते के अंदर जो मुस्लिम लीग की कांग्रेस की मीटिंग हुई, तो कायद आजम ने ही हैड लुक्ड एट वक्फ अल औलाद, जो प्रीवी काउंसिल ने रिजेक्ट किया था, तो उसके वकील बने और वहाँ पर उन्होंने तकरीर की वक्फ अल औलाद के इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट जो है इसको प्रीवी काउंसिल रिजेक्ट नहीं कर सकती. मगर वो ज़माना था कि कायद आजम कहते थे कि साथ जी सकते हैं. 1925 के करीब अल्लामा इकबाल की सोच के एतबार से 1928 से 30 तक जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट वाले अल्लामा इकबाल के लेक्चर थे, तो फिर ये कैफियत पैदा हुई कि नहीं, अलग मुल्क बनाना पड़ेगा. तो बड़ी जस्तुजू के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क जो बना है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. इसके साथ यानी अगर खिलवाड़ करें तो मुल्क तो मुल्क के हवाले से गरीब का जो पिस रहा है वो तो पिसेगा, और आप लोगों के ऊपर भी इन चीज़ों का असर होगा. तो मैं ये कहता हूँ कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ, एक ज़माने में जिस ज़माने में सोशलिज्म चला, जिस ज़माने में नेशनलाइजेशन हुआ, तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ एक ऐब था, वेल्थ एक बुराई थी, है इसका, और अवाम को उस वेल्थ के खिलाफ भी खड़ा किया गया. बट आज हमको एहसास है कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ बड़ी अहमियत रखता है, जो काम आप कर रहे हैं. तो ये इस अंदाज से ये मामला चलता जाए और ओपन हो. जैसे आपने कहा कि जी टैक्सेस, बिजनेसमैन को ये कहा जाता है टैक्स चोरी करता है, इन अलकाबात से कौम यानी हुकूमत और लीडर्स इनको ना नवाजें. मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपसे, मगर मेरे ख्याल से ये सिमेंटिक
कैफियत है कि जब ये कहा जाता है कि कोई चोरी कर रहा है, तो ये कहा जाता है कि जो पैसा बना रहा है चाहे तिजारत से और जो टैक्स नहीं जा रहा दे रहा, उसके हवाले से ये कैफियत है कि वहाँ पर टैक्स की चोरी हो सकती है। और जितना आप ट्रांसपेरेंट करेंगे, जितना आप ओपन करेंगे, जितना ट्रांजैक्शन आपके डिजिटाइज होंगे, इस बात का इम्कान कम हो जाएगा। अब नतीजा क्या है आजकल ये, क्योंकि FBR टैक्स जिस अंदाज से कलेक्ट करता है उससे ज़्यादा आसान है कि पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दो। कम से कम एक क्वांटिफाइड चीज़ पाकिस्तान आ रही है, उसकी क्वांटिटीज़ के लिए जितना हिसाब किताब रखना है बहुत आसान है, लिहाजा पेट्रोल पर टैक्स, कॉल्स पर टैक्स रखो, क्योंकि मल्टीनेशनल्स है ना, ये हिसाब रखती हैं, लिहाजा कॉल्स पर टैक्स करो। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ये मैं समझता हूँ किसी अच्छे इंसाफ वाले माशरे के लिए और ख़ास तौर पर इस्लाम के लिए भी ऐसा हो नहीं सकता कि सबको बराबर टैक्स। ये आप जानते हैं, मतलब इसमें मुझे आपसे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जितना माशरा खुलेगा उतना ही ट्रांसपेरेंट होगा, उतना ही तरक्की करेगा। आखिरी चीज़ ये कि दो एरियाज हैं जिसमें पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की कर सकता है, और आपका मैं एफर्ट देख रहा हूं, तो इसी मतलब आपने टेक्नोलॉजी आईटी के अवार्ड्स का अहतमाम किया था, दैट इज़ वन सेक्टर। दूसरा सेक्टर एग्रीकल्चर का है, पाकिस्तान के पास ज़मीन और पाकिस्तान के पास पानी बहुत है, मगर एट द सेम टाइम हमारे प्रोसेस इतने स्लो हैं कि हमारी यील्ड बाज़ चीज़ों में एक तिहाई है, बाज़ चीज़ों में हाफ है ना, यील्ड बढ़ सकती है। नेदरलैंड की मैं मिसाल देता हूँ, सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड, हमसे 16 गुना छोटा है शायद, हैं, मगर उसका पोटेंशियल देखिए। तो लिहाजा इतनी ज़मीन के साथ, यानी अगर आप नेदरलैंड्स के साथ कंपेयर करें, तो पाकिस्तान कैन सप्लाई द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी और एफर्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, है ना, इन चीज़ों से कोई बहुत बड़ी साइंस की जरूरत नहीं है, दैट साइंस एग्जिस्ट करती है। तो आप लोगों से गुजारिश ये करता हूँ कि दो तीन एरियाज हैं जहाँ पर हम तेज चलती हुई ट्रेन के अंदर चढ़कर अपने मुल्क को इस्तेकाम दे सकते हैं, उसमें आईटी भी इज़ वन ऑफ देम एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन इट, वेरी गुड, और दूसरा एग्रीकल्चर इज अनदर, सिर्फ ट्रेडिंग से हटकर वो भी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका शुक्रिया, आपने एक अच्छा काम शुरू किया हुआ है। इसी तरह से डिसेबल्ड के एतबार से जो आपने लेबार्ड बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ वेरी डियर टू मिसेस समीना आलवी। तो मैं समझता हूँ ये सारे काम एक अच्छे खाते पीते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी अच्छी लगती हैं कि ये लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे आप माशरे को। तो बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।